हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है, इसमें हम देखते हैं कि आपके पर्सन के अभी इस वक्त दिल में क्या चल रहा है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन, उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। पहला कार्ड यहाँ पर है सिक्स ऑफ हार्ट, फाइव ऑफ हार्ट, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, टू ऑफ हार्ट, ओके, किंग ऑफ डायमंड, एस ऑफ क्लब और टू ऑफ स्पेड। आपके पर्सन हो सकते हैं कि कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीस हो, या फिर जेमिनी लिब्रा एक्यूरस हो सकते हैं, और एरीज लियो सेजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है। स्पेशली टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन। तो यहाँ आपके पर्सन मुझे ऐसा दिख रहा है कि पुरानी चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं। आपके साथ जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया था, वो सारी चीज़ें याद कर रहे हैं। जब भी आपके बारे में सोचते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे एक पॉजिटिविटी का आप उनके लाइफ में एक पॉजिटिविटी आप लाते हो। आपके बारे में सोचने से ही आपके पर्सन को एक खुशी की अनुभव होती है। साथ में ऐसा भी लग रहा है कि आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन आपके पर्सन हमेशा ही से ही फील करते हैं। ठीक है, तो अब आपके पर्सन जो है, क्योंकि आपको इस तरीके से मिस कर रहे हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि रात को उन्होंने हो सकता है आपको सपने में भी देखा है, इसकी वजह से और भी आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ उन्होंने, मुझे यहाँ एनर्जी स्ट्रांगली आ रही है कि रात को उन्होंने कुछ ऐसा सपना देखा है रोमांटिक सा आपके साथ, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गए हैं इस वक्त। उनके दिल में इस वक्त जो इंटेंशन है कि वो आपके साथ जो उन्होंने सपना देखा है उसको रियलिटी में करना चाहते हैं। जो भी उन्होंने रोमांटिक सपना देखा है उसे वो रियलिटी में लाना चाहते हैं, और यही उनका जो है इस वक्त उनके दिमाग में चल रहा है, और वो अपने इस चीज़ को प्रैक्टिकल लेवल में एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब वो ये चीज़ें प्रैक्टिकल लेवल में चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में हो, क्योंकि आपके पर्सन जो है सपने में ही देख रहे हैं, पर वो चाहते हैं ये रियलिटी हो जाए। तो अभी आपके पर्सन के दिल में ये भी फील हो रहा है आपके लिए कि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटोनिक बॉन्ड है, एक आत्मिक कनेक्शन वो आपके साथ इस वक्त फील कर रहे हैं, जो कि बिना वर्ड्स के आप दोनों हो सकता है एक दूसरे की बात समझ जाते हो, या इंट्यूटिवली आपके पर्सन जब आपके लिए कुछ फील करते हैं तो आप भी उनके वो फीलिंग्स आपके भी आ जाते होंगे। मीन्स अगर आपके पर्सन सैड है तो आपको भी वो कहीं ना कहीं वो वाली फीलिंग्स आ जाती है कि आपके पर्सन सैड हैं। इस वक्त आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि पुरानी जो चीज़ें हैं उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की, क्या उनकी तरफ से गलतियाँ हुई थी, तो अपने गलतियों के बारे में भी सोच रहे हैं। हो सकता है इन्होंने किसी दूसरे रिलेशनशिप के लिए पास्ट में आपके साथ इन्होंने सेपरेशन लिया था, हो सकता है किसी और के साथ इनका रिलेशनशिप हो गया था, तब इनको ये रियलाइज़ नहीं हुआ था कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ये सोलमेट का कनेक्शन है, तब इस रिलेशनशिप को इन्होंने कैजुअली लिया था। पर अब लग रहा है इनका जो दिल है बिल्कुल टूट चुका है, क्योंकि अब इनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो एक स्ट्रॉन्ग प्लेटोनिक बॉन्ड है, एक आत्मा का कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन फील कर रहे हैं। ठीक है, और हम देखेंगे कि आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। पहला आया है यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ड, एट
इस सेपरेशन की वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं अंदर से, और बहुत इनको उस चीज़ से उभरने की भी कोशिश कर रहे हैं। अभी जो इनके दिल में पेन है उसे उभरने की कोशिश कर रहे हैं। जिस भी आप लोग के बीच में जो भी एंडिंग हुई है उस वजह से आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में मुझे दिख रहे हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, इसलिए पुरानी बातें याद करके हील करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि ये सारी चीज़ों का जिम्मेदार इस वक्त खुद को ही मान रहे हैं, क्योंकि पास्ट में ये खुद कंफ्यूज्ड थे सिचुएशन को लेकर कि इनको क्या चाहिए। पर जब तक इनको ये रियलाइज़ हुआ कि इनको क्या चाहिए, तब तक हो सकता है कि ट्रेन छूट गई थी, हो सकता है आप उनके लाइफ से चले गए थे। तो अब आपके पर्सन उन चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और इस वक्त अपने दर्द को बहुत कम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपके बारे में सोचकर पुरानी स्वीट मेमोरीज को याद कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए इस वक्त और क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज प्रोवाइड गाइडेंस, पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है पेज ऑफ वैंड्स, और हम कार्ड्स निकाल लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ ये क्या हो रहा है। कार्ड्स हाथ से फिसल रहे हैं। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड टावर, यहाँ पर है मून, एट ऑफ वैंड्स और थ्री ऑफ वैंड्स। तो काफ़ी सारे कार्ड आ गए। यहाँ पर है एंड ऑफ द डेक द वर्ल्ड। तो देखिए क्या आया है रीडिंग देखते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन का जैसे मैंने बताया इस वक्त बहुत उदास हैं, बहुत दर्द में हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आप उन्हें पास्ट में चाहते थे उस तरीके से आप उनके ऊपर अटेंशन नहीं दे रहे हो। शायद ये रीज़न है उनके जो इस दर्द का, ये रीज़न हो सकता है। हो सकता है इस वक्त वो खुद को सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल सोच रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया। और साथ में जब भी आपके पर्सन आपके बारे में इस वक्त सोच रहे हैं तो बहुत उनके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। जो भी हो सकता है इनके लाइफ में कुछ ऐसे स्ट्रेस चल रहा है, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है, पर आपके बारे में सोचते ही आपके पर्सन के अंदर एक पॉजिटिविटी आ रही है, एक पॉजिटिविटी वो फील करते हैं आपके साथ। साथ में उनका बहुत मन करता है कि वो आपके साथ कम्युनिकेट करे, वो आपसे बातें करना इस वक्त बहुत मिस कर रहे हैं। जो आपके साथ बात करते थे वो चीज़ें आपके पर्सन इस वक्त बहुत याद कर रहे हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड। हो सकता है कि ये पर्सन अभी अपने लाइफ में कुछ स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि ये अभी सबसे बिल्कुल रूडली बिहेव करते हैं, या हो सकता है कि बिल्कुल बात नहीं करते हो दूसरों से। क्योंकि खुद जो इंसान अंदर से टूटा हुआ हो तो उसको ना हंसने का मन करेगा, ना किसी से बात करने का मन करेगा, ना ही इंटरेक्ट करने का मन करेगा। तो इस तरीके से आपके पर्सन की इस वक्त सिचुएशन है। तो वो इस तरीके की फीलिंग में है कि वो सबसे कटे कटे रहते हैं, उनको किसी से कम्युनिकेट करना इस वक्त पसंद नहीं है। और क्योंकि उनके साथ जो भी हुआ है वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो आपके साथ जो रिलेशनशिप है, जो बिल्कुल उनको लग रहा है कि बिल्कुल आपके जो आप जो पहले उनको जो प्यार देते थे, हो सकता है आपने बिल्कुल अपना रुख बदल लिया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन अब इस स्टेट में हैं कि उनको बहुत ज़्यादा सैडनेस में आपके पर्सन चले गए हैं कि उनके साथ इस तरीके की सिचुएशन आ गई है, जो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उस सच्चाई को कि अब आप उनकी तरफ फोकस्ड नहीं हो, ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस भी इनके दिल में आ रहे हैं, बहुत सैड हो रहे हैं। खासकर कि रात को आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, पुरानी चीज़ें सोचते हैं, और बहुत ओवर इमोशनल हो जाते हैं आपको लेकर। यहाँ पर है एट ऑफ वैंड्स और टू ऑफ वैंड्स। तो आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, या हो सकता है आपके पास कोई
स्मॉल जेस्चर दिखाना चाहे, हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है कि आपके फेवरेट कलर के कपड़े पहने या फिर कुछ भी ऐसा शो करने की कोशिश करें कि आपको अभी भी चाहते हैं, ठीक है, किसी भी वे से। हो सकता है अपने स्टेटस में आपकी फेवरेट सॉन्ग डाले, ऐसा भी हो सकता है आप दोनों की जो एक साथ जो फेवरेट सॉन्ग थी, जिसे कि आप अपने लाइफ को रिजेंबल करते हो, आप दोनों की लव स्टोरी को रिजेंबल करते हो, तो वो आपके पर्सन हो सकता है डाल सकते हैं। मीन्स वो किसी ना किसी वे से आपको ये शो करना चाहते हैं कि वो आपके लिए कितना ज़्यादा तड़प रहे हैं, वो आपके लिए कितना ज़्यादा उदास हैं इस वक्त, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। वो कुछ ऐसे लग रहा है कुछ मेजर डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है इस वक्त आप लोग के बीच में बहुत दूरियां हो चुकी है और साथ में उनके दिल में ऐसा भी फील हो रहा है कि आपने अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप को कंप्लीट कर दिया है। हो सकता है कि आप अपने लाइफ में मूव ऑन हो चुके हो, ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको अपनी दुनिया समझते हैं और वो आपके यादों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। वो खुद को काफ़ी ज़्यादा हील करने की भी कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन में, ठीक है। और हम देखते हैं और आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, यहाँ पर भी हमें आया है एट ऑफ वैंड्स, यहाँ पर भी आया है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए फील कर रहे हैं कि वो आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है आपके पास ट्रैवलिंग करके भी आना चाहते हैं, पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन को इस वक्त फील हो रहा है कि आप उनसे दूर चले जा रहे हो, ऐसा वो फील कर रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है पावर, तो अपने अंदर वो हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ पाए। वो आपके तरफ आना चाहते हैं, आपको इस वक्त बहुत याद कर रहे हैं। साथ में ऐसा भी मुझे लग रहा है अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने अंदर हिम्मत रखा है, धैर्य रखा है, जिससे कि वो आपको अप्रोच कर पाए, अपने ईगो को साइड में रख के वो आपको अप्रोच कर पाए, क्योंकि अब उन्हें ये चीज़ पूरी कम्प्लीटली रियलाइज़ हो चुकी है कि आप ही उनके स्पिरिचुअल पार्टनर हो, आप ही उनके प्लेटोनिक लव हो, आप ही उनके आत्मा से जो कनेक्शन एक फील करते हैं आपके पर्सन वैसा ही आपके लिए फील करते हैं। बहुत ज़्यादा उनका हार्ट चक्रा जो है, ये ग्रीन कलर बता रहा है कि उनका हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो जाता है जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं। जैसे आप उनके लाइफ में नहीं हो तो ऐसा उन्हें एक अधूरा सा है पूरी, मतलब दुनिया उन्हें अधूरी सी इस वक्त फील हो रही है, इस तरीके की फीलिंग्स आपके पर्सन के दिल में हैं। और भी देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए और क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है डिसेप्शन एंड एनवी, ठीक है, उनको ऐसा भी फील हो रहा है कि आप अपने फीलिंग्स उनसे बहुत छुपा रहे हो। आजकल उन्हें पता ही नहीं है कि आप के लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है आपने अपने सोशल मीडिया में पोस्ट डालना बंद कर दिया होगा, जिसकी वजह से आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि चीज़ें उन्हें क्लियर नहीं है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो, क्या आप भी उनके साथ यही स्पिरिचुअल यूनियन चाहते हो, क्या आप भी उन्हें चाहते हो, जिससे कि वो स्ट्रेंथ रखे। अगर आपके तरफ से भी उन्हें कुछ ऐसा इंडिकेशन मिले तो वो आपके तरफ आना चाहते हैं। और देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ पर है द वेटिंग गेम, क्राउन चक्रा और ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इस इंसान ने किसी थर्ड पर्सन के लिए पास्ट में आपको डिसीप्शन दिया था। हो सकता है पास्ट में आप, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पास्ट में इन्होंने किसी दूसरे रिलेशनशिप के साथ, उनको लगा था वो कंपैटिबल है वो पार्टनर, और उन्होंने उसकी वजह से आपके साथ जो रिलेशनशिप था उसको तोड़ा था।
अब आपके पर्सन उस चीज़ का उनको बहुत गम हो रहा है, बहुत सोच रहे हैं इस बारे में, और उनके अंदर अब चेंजेस आ चुके हैं। समय के साथ उनके अंदर काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, क्योंकि हो सकता है पहले इनमें बहुत ज़्यादा ये ऐसे पर्सन थे, हो सकता है पेज ऑफ वेंड्स, मतलब किसी एक चीज़ में फिक्स रहने वाले ये पर्सन नहीं थे। ये पहले बहुत दूसरों से भी अट्रैक्ट हो जाते होंगे या दूसरों से भी फ्लर्ट कर लेते होंगे, पर अब इस इंसान में जब से आपके साथ ब्रेकअप हुआ है तब से इनके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ गए हैं। काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन हो सकता है स्पिरिचुअल भी हो चुके हैं। इस कनेक्शन, आपके साथ जो कनेक्शन है उसके बाद से आपके पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल जो है हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोग के लाइफ में ऐसा भी होता होगा कि ऑन ऑफ सिचुएशन होते रहता होगा। हो सकता है आप लोग मिलते होंगे फिर बिछड़ते होंगे, इस तरीके की भी मुझे यहाँ एनर्जीज दिख रही है। ठीक है, और हम देखते हैं आपके लिए और क्या क्या कार्ड्स आते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए और क्या फील करें, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए और क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है एप्रिसिएशन, अ मैन होल्डिंग अ हार्ट। एक मिनट, नीचे गिर गया कार्ड्स, जो नीचे गिरा था वो ये कार्ड्स है, हैप्पी फैमिली, गॉडेस ऑफ द मून और विक्ट्री, और साथ में हम इन कार्ड्स को भी ले लेते हैं, रेस्ट एंड रेजुविनेट, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, वो आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, वो आपकी तारीफ करना चाहते हैं कि आपके आने के बाद उनके लाइफ में कितने सारे बदलाव हुए हैं, कितनी पॉजिटिविटी आई है। अब वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, जैसे कि ये मैन होल्डिंग अ हार्ट बता रहा है कि वो आपके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आप के लिए बहुत उनके दिल में प्यार इस वक्त उमड़ रहा है, ऐसा भी ये कार्ड बता रहा है। पर कुछ ना कुछ उनको इस वक्त बहुत रिग्रेट भी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में भी हो सकते हैं। हो सकता है मुझे ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कम दिख रही है, पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनके लाइफ में कुछ अभी फाइनेंसेस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स चल रही है, या उनको ऐसा लग रहा है कि आपने इस वक्त उनके लिए अपने जो है दरवाजे बंद कर दिए हैं, ऐसा भी वो फील कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि वो ऑलरेडी किसी दूसरी रिलेशनशिप में हो या फिर कार्मिक सिचुएशन में हो सकते हैं, और उनको ऐसा भी इस वक्त फील हो रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ ही वो इस एक हैप्पी फैमिली भी देखते हैं, आपके साथ वो चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो जाए, और आपको गॉडेस ऑफ मून की तरह देख रहे हैं, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त खूबसूरत, आपके जैसा, मतलब वो ऐसा ही फील करते हैं, आप बहुत जेंटल, लविंग, केयरिंग पर्सन हो, ऐसा भी उनके दिल में ऐसे फीलिंग्स आते हैं। पर हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में और भी मजबूरियां हो सकता है कि वो किसी दूसरे रिलेशनशिप में है, या जैसे मैंने बताया किसी कार्मिक सिचुएशन में है, जिसकी वजह से वो आपके पास आ नहीं सकते, या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से नहीं आ सकते, और अभी वो इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर पा रहे, आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, पर ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन के तरफ से कुछ मैसेजेस लेते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं।
पहला कार्ड जो यहाँ पर आया है वो है डिवाइन काउंटर पार्ट। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आप दोनों के बीच में एक आत्मिक बॉन्ड आपके पर्सन आपके साथ फील करते हैं। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, तो आपको बोलना चाह रहे हैं कि वो आपको कभी भी भुला नहीं सकते, सॉरी भुला नहीं सकते। यू मेक मी सैड ऑलवेज, मेक मी क्राई, तो बोलना चाह रहे हैं कि आप हमेशा उन्हें दुखी करते हो और उन्हें रुलाते हो, वो आपके लिए रोते भी हैं। यू आर माई फर्स्ट लव, तो बोलना चाह रहे हैं कि आप ही उनका पहला प्यार हो। आई फील लोनली, यू आर नॉट मी, नॉट विथ मी, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि वो आपके बिना बहुत अकेला और अधूरा सा फील करते हैं। यू आर माई ट्विन फ्लेम, तो आपको अपना ट्विन फ्लेम भी समझते हैं। वी कैन टॉक विदाउट वर्ड्स, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप लोग बिना वर्ड्स के भी बात कर सकते हैं इंट्यूटिवली। सम पीपल डोंट वॉन्ट टू सी अस टुगेदर, तो कुछ लोग आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते, वो ये भी बोल रहे हैं। आई वॉन्ट टू टच यू, आपको छूना चाहते हैं। यू ब्रोक माई हार्ट बट आई स्टिल लव यू, हो सकता है आपने उनको पास्ट में उनको नहीं चूज़ किया था, या फिर हो सकता है आपने उनका दिल तोड़ा था, फिर भी वो आपको चाहते हैं, ये आपको बोलना चाहते हैं। यू कैन नेवर मूव ऑन फ्रॉम माई थॉट्स, तो उनको लगता है कि आप दोनों की जो मेमोरीज है साथ में वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप उनके यादों से, आप उनके यादों को भुला नहीं सकते, आप उनको नहीं भुला सकते, ऐसा आपके पर्सन फील करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस है। एंजेलिक प्रोटेक्शन, हम और एक कार्ड लेते हैं, आर्क एंजल माइकल ओरेकल कार्ड से देखते हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में। यहाँ पर पहला कार्ड आया है एंजेलिक प्रोटेक्शन, तो आपको एंजल्स बोलना चाह रहे हैं कि वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आप प्रोटेक्टेड हो। जो भी आपके अंदर नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं तो आप मेडिटेट करिए और एंजल्स के प्रोटेक्शन में है, मतलब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ एंजल्स प्रोटेक्शन में है। यूज़ योर इमेजिनेशन एंड यू विल सी द आंसर, तो आपको आर्कएंजल माइकल ये बोल रहे हैं कि जो भी आपके मन में सवाल है, आप उस इंसान के, हो सकता है कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करे, तो आपको एंजल्स का ये कहना है कि आप अपने इमेजिनेशन यूज़ करिए कि आप उस इंसान के जगह पर खुद को रख के देखिए, क्या उनके लिए पॉसिबल है आपको कांटेक्ट करना, या उनकी सिचुएशन क्या है। ठीक है, आप उस तरीके से, उस नज़रिए से देखेंगे तो आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा कि वो आपको क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं, या फिर वो अपने फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको एंजल्स बोलना चाहते हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट, तो एंजल्स आपको ये भी बोलना चाह रहे हैं कि आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट रखिए। सेल्फ रेस्पेक्ट रखेंगे तो और भी आप रोमांटिकली अट्रैक्टिव लगेंगे, और भी आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आपसे आएंगी, और आपके लाइफ में सारी चीज़ें और भी आसान होगी क्योंकि ऑलरेडी आपके ऊपर एंजेलिक प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आज की। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।